आठवीं कक्षा विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय में सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम यह जाने कि सूक्ष्म जीव क्या है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारी नंगी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यह सूक्ष्म जीवों में कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे फफूंद है, मशरूम है, कुछ शैवाल होते हैं। इन्हें हम नंगी आँखों से भी देख लेते हैं, किंतु अनेक प्रकार के कवक और शैवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सबसे पहले लीवेनहॉक ने 1677 ईस्वी में किया था। उन्होंने ही सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। इनकी कोशिकाओं के ऊपर बाहरी आवरण रहता है, कोई कठोर आवरण रहता है, जिन्हें हम लोग सिस्ट कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उन्हें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये आज का आठवीं क्लास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब आपको देखना है कि सूक्ष्म जीवों का वास स्थान कहाँ होता है, ये कहाँ रहते हैं। वास स्थान के आधार पर सूक्ष्म जीवों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है फ्री लिविंग माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवी मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव, इसका हिंदी होता है मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव, फ्री लिविंग माइक्रोब्स। यह हवा, मिट्टी और पानी में रहते हैं। दूसरा होता है परजीवी सूक्ष्म जीव, पारासाइट्स माइक्रोब्स। यह परजीवी का अर्थ ही होता है कि दूसरे जीवों के शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीव। ये जिन जीवों के शरीर में रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, यह मादा एनोफिल मच्छर के लार में या मनुष्यों के रक्त में पाए जाते हैं। तो यह प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, परजीवी सूक्ष्म जीव है। तीसरा हो जाता है सहजीवी सूक्ष्म जीव, वे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग सहजीवी सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे राइजोबियम, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस तरह से यह एक प्रकार का सहजीवी सूक्ष्म जीव है। वैसे ही लाइकेन है, जो शैवाल के साथ कवक का जो सहजीवी संबंध होता है उसे लाइकेन कहते हैं। सेल्यूलोस को पचाने के लिए कुछ जंतुओं के शरीर में, उसके भीतर चर्बिताभ नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी, जिराफ, इसके आमाशय में यह चर्बिताभ नामक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। इससे क्या है, ये जिस जीव के अंदर पाए जाते हैं, गाय, भेड़, बकरी, उनको भी लाभ होता है और ये सूक्ष्म जीव को अपना आश्रय भोजन भी मिल जाता है। तो यह सहजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमारे आसपास की जो हवा है, मिट्टी है, जल है, सभी में सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, किंतु उनकी उपस्थिति का पता हमें नहीं चलता है। जैसे हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो डबल रोटी के टुकड़े पर सफ़ेद या काले धब्बे के रूप में उग आते हैं। यह डबल रोटी में पाए जाने वाला एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह डबल रोटी को क्या करता है, संदूषित कर देता है। लेकिन ऐसे साधारण आँखों से हवा में जब रहता है तो उसकी उपस्थिति का पता हमें
नहीं चलता है। सूक्ष्म जीव किसी भी प्रकार के परिवेश में उग सकता है, यानी गर्म पानी, बर्फ या लवण युक्त पानी है, रेगिस्तानी मिट्टी है, दलदली भूमि है, सभी जगहों पर यह उग सकता है। सूक्ष्म जीवों के बाहर एक प्रकार का कठोर आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जब हवा, पानी या मिट्टी में रहता है तो वह अक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही जंतु या पौधों के शरीर में जाता है वह सक्रिय हो जाता है और कवच से बाहर निकल जाता है तथा गुणन की क्रिया करने लगता है और अपने लाइफ साइकिल को दोहराने लगता है। तो ये हुआ सूक्ष्म जीव। अब अगले क्लास में हम लोग सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही।